और अफगानिस्तान में फंसे 20 भारतीयों का अब क्या होगा? अफगानिस्तान में क्यों रहेंगे ब्रिटिश सैनिक? तालिबान से कैसे चीन को नुकसान पहुंचेगा? और क्यों भूखों मरने पर मजबूर हो रहे हैं अफगानी? जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। भले ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई हो, लेकिन ब्रिटिश फाइटर्स अभी अफगानिस्तान में रुकेंगे। ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी एसएएस फाइटर्स ने अफगानिस्तान में ही रुकने के लिए इजाजत मांगी है। अफगानिस्तान में अभी 20 भारतीय फंसे हैं। कहा जा रहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा की स्थिति के कारण फंसे हुए भारतीयों को जल्द कोई भी फ्लाइट मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच तालिबान ने कहा है कि अफगान हिंदुओं सिखों को वैध दस्तावेजों के साथ भारत यात्रा की अनुमति दी गई है। तालिबान ने कहा है कि इस महाद्वीप में भारत एक अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए तालिबान के लिए भारत काफी अहमियत रखता है। तालिबान भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध कायम रखना चाहता है जैसा पहले था। ये बात कतर में तालिबानी नेतृत्व के एक बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कही है। उधर अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को लेकर तालिबान ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि गनी ने अचानक सत्ता छोड़कर गलती की, जिसकी वजह से जगह जगह फायरिंग, लूटपाट जैसी घटनाएं हुई। शाहीन ने कहा कि गनी जो कुछ भी देश से लेकर गए हैं, जो उनका नहीं है उसे लौटा दें। चीन भले ही तालिबान को अपना समर्थन दे रहा है, लेकिन यही उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। अफगानिस्तान में आईएस खोरासन सक्रिय है और यह तालिबान का खिलाफ है। इसके अलावा चीन के शिनजियांग में एक्टिव ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके भी तालिबान से मिल सकते हैं। ये लड़ाके लंबे समय से उइगर मुस्लिमों को आजाद कराने के लिए लड़ते रहे हैं। पाकिस्तान में भी तालिबान राज कायम होने लगा है। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के लड़ाकुओं ने वजीरिस्तान प्रांत के लाढ़ा इलाके पर कब्जा कर लिया है। यहाँ टीटीपी के लड़ाकुओं को देखकर पाक सेना भाग खड़ी हुई। वीडियो में टीटीपी के लड़ाकू ये कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त से मिलने अफगानिस्तान जा रहे हैं, लेकिन अगला नंबर पाकिस्तान का है, यहाँ की आर्मी का है। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद से नागरिकों को देश छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिसे जहां मौका मिल रहा है जैसे हो पा रहा है दूसरे देशों में जाकर शरण ले रहे हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर की है, जहां दुर्गम रास्तों से होकर लोग ईरान में शरण लेना चाहते हैं। वही ये तस्वीर ईरान की है। देखिए कैसे ईरान में जर्मन दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अफगान नागरिक जुटे हैं। अफगानिस्तान में लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। बैंक बंद है, एटीएम में पैसे नहीं है, कंपनियां कामगारों को सैलरी नहीं दे पा रही। हालात ये हैं कि काबुल में लोग बैंकों से अपने पैसे निकालने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने अब लोगों को बैंक से पैसे निकालने पर भी पाबंदियां लगा दी है। उधर विश्व बिरादरी में अपनी स्वीकारोक्ति को लेकर के तालिबान हर संभव कोशिश में जुटा है। ताजा मामला अफगानिस्तान में अफीम की खेती को लेकर देखने को मिला है। तालिबान ने लोगों से अफीम की खेती नहीं करने को कहा है। इन दिनों तालिबान के प्रतिनिधि कंधार में लोगों के समूह को जुटा कर ये सलाह दे रहे हैं, ताकि दुनिया की नजर में तालिबान की छवि बदले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।